ले लो और काट डालो मुझे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? दावे कुल्हाड़ी और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। सुरू, मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। सुरू, इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। मैं ये खुद ही पीकर साबित कर देता हूँ। नहीं, हे भगवान, मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? बाबूजी, बाबूजी! अरे वो नागिन, बोल दे इन्हें, बोल दे कि दूध में जहर मिला हुआ है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मार डालूंगा तुझे। नमस्ते, हामी टिममा भान्जी राजेश सम्म तपाईहरुलाई हामीले यति धेरै माया साथ र आशीर्वाद दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आजको भिडियो पनि अन्तसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब र नोटिफिकेसन बेल आइकनमा पनि प्रेस गरिदिनुहोस् होला। र हाम्रो सुटिङको बिहाइन्ड द सिन्स र ब्लग हेर्नको लागि पवन सुब्बा युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला। धन्यवाद। सूर्या, देखो मैं तुम्हारे लिए। अरे क्या ठोका पीटी कर रही हो, और वो भी इस हालत में? चलो नीचे उतरो। ये क्या है? केसर। ये केसर तुम्हारे पिताजी दे गए थे। वो कह रहे थे कि इसे दूध में मिलाकर पीने से होने वाला बच्चा गोरा, चिट्टा और खूबसूरत पैदा होता है। इससे पहले कि दूध ठंडा हो जाए, इसे गटागट पी जाओ। लो, एक मिनट, एक मिनट। हाँ? मैं इसमें थोड़ा और केसर मिला देता हूँ ताकि बच्चा खूब गोरा हो। अरे बस बस, ये केसर एक महीने के लिए है, आज ही खत्म कर दोगे क्या? अरे खत्म हो जाएगा तो और आ जाएगा। तुम जल्दी से दूध पी लो। अपने हाथों से पिलाओ ना। अपने हाथों से पिला देता हूँ। क्या हुआ? वो मैं पहली बार तुम्हारे हाथों से केसर का दूध पी रही हूँ ना, मैं भगवान के सामने माथा टेक कर आती हूँ। क्या बात है चंपा, तुमने मुझे दूध पीने से क्यों रोक दिया? इसलिए दीदी कि जो केसर वाला दूध आप पीने जा रही थी उसमें जहर मिलाया हुआ है। क्या जहर? हाँ दीदी, मैंने अपनी आंखों से माजी को केसर में जहर मिलाते हुए देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है दीदी, ऐसा हुआ है। मैं अपने सुहाग की कसम खा के कहती हूँ, ऐसा ही हुआ है। अरे सुरु, क्या हुआ? तुम्हारी पूजा खत्म हुई कि नहीं? जल्दी आओ, दूध ठंडा हो रहा है। पूजा हो गई तुम्हारी? क्या बात है सुरु, ये किस लिए? मैं किसी और का दिया हुआ जहर खाकर मरने की बजाय अपने पति के हाथों मरना पसंद करूंगी। ये लो और काट डालो मुझे। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुमने दूध में केसर मिलाया था ना, उस केसर में जहर मिला हुआ है। जहर? क्या बकती हो, केसर में जहर मिला हुआ? अरे ये केसर तो खुद तेरे पिताजी दे गए थे, वो अपनी बेटी को जहर देंगे? मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसमें जहर मिला दिया। मेरी माँ ने दूध में जहर मिलाया? तू होश में तो है सुरु? ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल, तेरी जबान कटकर गिर जाएगी। जबान क्या, मैं तो पूरी कटकर गिरने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था तुम मेरा विश्वास कभी नहीं करोगे। उठाओ ये कुल्हाड़ी और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। सुरु, मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। सुरु, इतना बड़ा इल्जाम मत लगा। मेरी माँ हत्यारण हो, इससे पहले आसमान फट पड़ेगा, चांद सूरज अपना रास्ता बदल देंगे, ये धरती अपनी दूरी से हिल जाएगी। पर सब अपनी जगह पर है सुरु, ये इस बात का सबूत है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो सुरु, झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ राजू, तो मेरा होने वाला बच्चा मेरे कोख में ही मर जाए। तेरा विश्वास पक्का है? तो मेरा विश्वास भी अटूट है।
अब हम दोनों के बीच में यही साबित होना है ना कि इस दूध में जहर है या नहीं, तो इसमें मां को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मैं ये खुद ही पीकर साबित कर देता हूं। डॉक्टर के पास जाना, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं यही रहूंगा। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बाबूजी, बाबूजी! अरे वो नागिन, पौधे के दूध में जहर मिला हुआ है, नहीं तो मेरा राजू नहीं बचेगा। अरे वो हत्यारन चुपचाप के खड़ी है, पौधे के दूध में जहर मिला हुआ है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मार डालूंगा तुझे। देखा मां तुमने, तुम पर शक करती है, डॉक्टर को बुलाने गई, बुला नहीं तो उससे भी सच्चाई का पता चल जाएगा। तूने मुझे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है और वो मुझे ऐसी मां के खिलाफ भड़का रही थी। उसने तुझे हथियारन कहा है, वो कहती है तूने दूध में जहर मिलाया। अरे वो अभागन ये नहीं जानती कि मां की ममता जहर को भी दूध बना देती है। मेरे पिताजी तो सिर्फ केसर दे गए थे, लेकिन तुम्हारी मां ने उसमें जहर मिला दिया। इस संसार में आने के बाद बच्चे के मुंह से जो पहला शब्द निकलता है वो मां होता है। बड़ा होकर वो बहुत कुछ सीखता है, बोलता है, लेकिन मैंने मां के अलावा और कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं जाना। बोलो मां, फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने बस इतना कह दिया होता, देख राजू, मुझे तेरी सारी जायदाद चाहिए, क्या अंगूठा लगा दे, तुम्हारी कसम मां, मैं अंगूठा काट कर दे देता।